नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ऋषभ गोस्वामी और आजकल मेरे को एक सीरीज़ जिसका नाम है कोड ब्लैक वह काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है क्योंकि यह एक इमरजेंसी मेडिसिन पर आधारित सीरीज़ है और इसमें दिखाए गए सीन्स काफ़ी हद तक मैच करते हैं उस सिनेरियो को जो कि एक इमरजेंसी ट्रायल में होते हैं। साथ ही साथ जो पेशेंट की प्रेजेंटेशंस और उसका मैनेजमेंट दिखा रखा है सीरीज़ में वह मेडिकल नॉलेज को ध्यान में रखकर ही बनाया है। So yes, coffee keeps us awake and it's the only thing, it's the only drug for doctors which makes us work in such tiring shifts. और कॉफ़ी नहीं होती तो शायद डॉक्टर्स की इतनी लंबी लंबी शिफ्ट भी नहीं होती। Did you try a combi too? Yes, but with an air leak. You then try an LMA with a strong seal. Better if it's an intubating LMA. He's coding. Start compressions. How far out are you? 5 minutes from your ramp. Got it. I'm going to need two beds in there. 45-year-old male fell off a truck ramp complaining of hip and back pain, probable chest contusions, rib and pelvic fractures. Is he breathing normally? Is somebody going to take care of me or what? He seems to be breathing just fine. He's going to need pain meds and a full blunt trauma assessment. Let's get him to the overflow. Good morning to you, Dr. Lee. Oh, it is morning, huh? तो अगर ऐसी इंजरी सस्पेक्ट करते हैं तो सबसे पहले चीज़ जो रूल आउट करनी होती है वो इंटरनल हेमरेज रूल आउट करना होता है। पेल्विक फ्रैक्चर्स में सबसे ज़्यादा इंटरनल ब्लीड होने का खतरा होता है। साथ ही साथ अगर चेस्ट ट्रॉमा है तो न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स या फिर फ्लेल चेस्ट या फिर पेरिकार्डियल टेम्पोनाड, हीमोथोरैक्स, ये सारी इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा रहता है। I need a pelvic plain film, stat trauma labs, and atomorphine. Don't forget a pelvic bond. You're going to need to keep that stable in case it's an open book fracture. I wasn't going to forget it. Thanks, Mario. So for those chest contusions? He has them and rib fractures. I concentrate on those, dude. It's the ABC theory, airway, breathing, circulation. Not worth saving a pelvis if one of those are broken. Well, look at us. Two residents who learn the same things in medical school. His pressure's still dropping. I need help. सबसे पहले जो चीज किसी भी सस्पेक्टेड पेल्विक ट्रॉमा में करनी होती है वो है एक पेल्विक बाइंडर जो कि पेल्विस को टाइटली सपोर्ट करता है जिससे एक टेम्पोनाड इफेक्ट क्रिएट होता है जब जिसकी वजह से जो इंटरनल ब्लीड है उस पर प्रेशर पड़ता है। कोई भी वेसल ब्लीड कर रही है तो उस पर प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो जाती है। यहाँ पर जैसे कि उसने कहा कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है जिसका मतलब है पेशेंट शॉक में जा रहा है जिसका मतलब है कि इंटरनल ब्लीड हो रही है। सर यहाँ पर जैसे कि एक कपड़ा पेल्विक बाइंडर की तरह यूज़ किया जा रहा है वैसे ही अगर हमारे को लगे किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कि पेल्विस पे चोट आई है, ठीक, तो उसमें एक बड़ा सा कपड़ा टाइटली चारों तरफ से लपेट के बांधा जा सकता है, वह भी सेम इफेक्ट क्रिएट करेगा जैसे कि एक पेल्विक बाइंडर करता है। I need a pelvic ultrasound in 4 units of ONAG. I don't have time to cross match. If I were you, I'd be a lot more worried about thoracic trauma than internal pelvic bleeding. I'm worried about all of it. Okay. What's going on? Two brothers. It's not good. Come on. Let's go. Doctor. 21-year-old male, multiple chest deformities. You gotta save my brother, please. High speed ABC. Positive PSI. Positive LOC. तो ऐसी सिचुएशंस कभी कभी आती हैं इमरजेंसी ट्रायल्स में जिसमें कि मान लीजिए एक कार एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक हस्बैंड वाइफ या फिर एक फैमिली है और सभी इंजर्ड हैं। किसी को थोड़ी ज़्यादा इंजरीज हुई हैं, किसी को थोड़ी कम इंजरीज हुई हैं, कुछ ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं, तो जिस को कम इंजरीज होती हैं वो ऑब्वियसली चिंता करता है उसकी जिसको ज़्यादा इंजरीज हुई हैं। तो इस सिचुएशन को टैकल करना, जिसको इंजरीज हुई हैं उसको काउंसल करना, कंसोल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे को उसकी जान तो बचानी ही है जिसको कम इंजरीज हुई हैं। साथ ही साथ हमारे को वो भी समझाना है कि जो साथ में है उसकी सिचुएशन क्या है। सो
so it becomes a really tough situation. वो ऐसी सिचुएशंस में इम्पॉर्टेंट होता है कि जो दो पेशेंट्स हैं जो कि एक दूसरे को जानते हैं उनको थोड़ा अलग अलग रखा जाए, क्योंकि जिसकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल है वो दूसरे को देखकर अनस्टेबल हो सकता है। उसकी जो वाइटल्स हैं, उसका जो ब्लड प्रेशर है, उसका जो पल्स है, उसके हार्ट पे, इन सब चीज़ों पर असर आता है। Downtrending blood pressure. He's circling now 60 over 40. What the hell is going on with this guy? सो वट दे आर असेसिंग इज इंटरनल ब्लीड। तो एक फास्ट स्कैन होता है जो कि एक अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है, फोकस असेसमेंट बाय सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। सो ये कुछ ऐसे डिपेंडेंट एरियाज देखने के लिए होता है एब्डोमेन में जहाँ पर कि ब्लड भर सकता है, तो वही हम अल्ट्रासाउंड से देखते हैं। Because his problem is somewhere else. Pelvic fracture bleeding internally would be retroperitoneal bleeding, and ultrasound wouldn't necessarily detect it. He's flatlining. This is your patient, man. You gotta act. We only had two units. Star compressions. Hang both units. Run them wide open. Run fluids at the same time. यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर कोई भी सिचुएशन हो और पेशेंट की पल्स नहीं मिल रही, साथ ही साथ पेशेंट रेस्पायर नहीं कर रहा है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे इंटरनल ब्लीड हो, चाहे हेड ट्रॉमा हो, चाहे नेक ट्रॉमा हो, चाहे चेस्ट ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, पल्स नहीं मिल रही है, पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में हमारे को एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन ABC प्रोटोकॉल फॉलो करना है और चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना है। These kinds of argument doesn't happen in actual scenario. There is always a senior who is much more experienced in such cases, and if the residents or the junior doctors are not able to manage the case, he will come forward and he will give the instructions to the junior doctors, and the same thing will be happening in the triage. So these kinds of arguments actually waste the time of both the patients as well the patient which is on table as well as the other patients which are waiting in the triage. So aise arguments actually mein hote hain. You can't right now. We need to get you some X-rays. Patrick! Is your patient ready for CT? We're on our way. Two large 18s in. Formal lab panel. Chest and pelvic X-rays. Let's go. Let's get out of here, please. Let's go. Hey, what's happening to my brother? Hey, tell me what's happening to my brother! Patrick! Patrick! Dr. Pineda, you can stop now. There's nothing more we can do. You can't shock flatline. Why is that? You can't trigger an impulse in dead myocardium. That's right. Anyone have any suggestions? Okay, I'm gonna call it. Time of death, 7:01 a.m. अगर 20 मिनट के चेस्ट कंप्रेशंस के बाद भी हार्ट फिर से काम करना शुरू नहीं करता है, देन इट्स बेटर टू स्टॉप द कंप्रेशंस इफ बिकॉज 20 मिनट के बाद इवन इफ द पेशेंट समहाउ बाय अ मिरेकल गेन्स सम कार्डियक रिदम, मोस्ट ऑफ द ब्रेन टिश्यू विल suffer ischemia as well as the other body functions will be hampered. So जो prognosis होगा, जो आगे की उसकी life होगी patient की, अगर वो बच जाता है तो काफ़ी ज़्यादा tough होने वाली है, क्योंकि उसके body के जो major functions हैं वो नहीं काम करेंगे. So in most of the cases 20 minutes CPR दिया जाता है, and after if 20 minutes the patient doesn't respond to CPR, the heart doesn't start to work in simple language, so the CPR is stopped based on the decision of the senior as well as the patient's attenders after counseling them.
back to work, everyone. It's beating. When did it start beating again? See, this is over-exaggerated. ऐसे कंडीशंस में आप थोरैकोटोमी नहीं करते थे. और पहली बात, थोरैकोटोमी इज़ नॉट अ प्रोसीजर विच इज़ डन विदाउट एन ओटी. ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाके ही किया जाता है विद प्रॉपर वेंटिलेटर सर्विस एंड प्रॉपर अदर इक्विपमेंट्स. सो दिस इज़ ओवर एग्जैजरेशन. ठीक कि भाई फ्लैट लाइन है एंड यू स्टार्ट थोरैकोटोमी. इन वर्स्ट पॉसिबल केसेस वी विल कंटिन्यू द CPR. ठीक है, we'll do continue the CPR, we will push adrenaline and we will continue to push adrenaline and follow the ACLS protocol in such scenarios, and if after 20 minutes the patient succumbs, then we can't do anything. So this thoracotomy is usually not done. Usually na kiya hi nahi jata bhai. Ki bhai man mein aaya ki haan ye bhi ho sakta hai, thoracotomy karti hai, khol diya patient ko. Aisa nahi hota hai. No, we don't. We opened him up for nothing. Maybe there was a pulse all along, you just didn't feel it. Maybe you should have done the ultrasound. Just shut your face, okay? And in such cases, अगर आपने thoracotomy कर दिया है without required indications, it's a gross medical negligence and you will be sued in law. ठीक है, तो आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और आपको वहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि why you went for a step like this, why you did thoracotomy. Open this poor man's chest expecting to find a swimming pool of blood and instead they find normal anatomy and a heart happily beating near, my God. And the swimming pool of blood is pericardial tamponade. ठीक है कि भाई हार्ट के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में ब्लड भर सकता है इन केस ऑफ चेस्ट ट्रॉमा. ठीक, एंड दिस कैन ऑल्सो बी सीन बाय अल्ट्रासाउंड. ठीक है, तो व्हाई डिड दे डिड सो? जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक आई विल से एंटरटेनमेंट. You know, there are plenty pissed upstairs, I'll tell you that. They should be. Now your patient needs an orthopedic surgeon to fix his pelvis, a thoracic surgeon to clean up whatever you left of his chest. And a lawyer to give us all a colonoscopy. He had his mother's number on his cell phone. Her name's Margaret O'Brien, lives about an hour away. She lost a son, but she still has one hanging on. She needs to get here quickly. I don't know what to say, Jesse. Just tell her to get here. It's against hospital policy to say anything specific over the phone. I know. Introduce yourself. Ask who you're speaking with. Hello. This is Dr. Pineda at Angels Memorial Hospital. May I ask who I'm speaking with? Your sons, Kevin and Patrick, were admitted to the hospital this morning. We need you to come down to the emergency room right away. I'm not authorized to give out any patient information over the phone. Could you please just come down here? It's important that you get here. I'm sorry. And as I always say, important that you get here. The most difficult part all I can say. Of this job is to communicate with the patient's family. जो patients की family है इस situation में, उनको बताना कि patient की क्या condition है. और हमारे को ये भी ध्यान रखना होता है कि उनका क्या रिएक्शन हो सकता है इस सिचुएशन में. हो सकता है कि उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाए उस सिचुएशन में, तो आपको वो भी ध्यान में रखना होता है, वो भी हैंडल करना होता है. और एम्पैथेटिकली उनको समझाना भी होता है कि पेशेंट इस कंडीशन में आया था, ऐसे ऐसे उसका प्रोग्रेस हुआ या फिर वो डिटेरिएट हुआ, और नाउ द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज दिस. इट्स डिफिकल्ट. Go. Eight-year-old male, unconscious, labored breathing, demonstrating uremic, kidney failure. I know this guy.
Let's get him set up for an I-STAT. I need his electrolyte levels. Yes, doctor. What are we most concerned about in renal failure? Potassium, if it's too high, it could be toxic for his heart or put him into arrest. Side stuff. I can't find a vein. Is it former IV drug user? His veins are shot. Breathing's getting labored. Hemedema. He needs dialysis. Ask them for a machine. No, we're going to have to place a VAS cath. You ever done one before? No, but I assisted once. Well, you're going to do one now. Take your introducer needle. Guide it into the right subclav. Look at the screen. So what they're doing is doing a central venous catheter, a subclavian vein catheterization. जब पेरिफेरल वीन्स किसी भी वजह से नहीं मिलती हैं हो सकता है वो कोलैप्स हो गई हो क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इतना ना हो बॉडी में ठीक या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन के केस में भी वेंस कोलैप्स हो जाती हैं तो उन कंडीशंस में जो बड़ी वेंस होती हैं बॉडी की जैसे कि सबक्लेवियन वेन जगलर वेन या फिर फीमोरल वेन इसको कैथेटराइज किया जाता है I'm ready for the cath. I'm going to thread the catheter over the needle, pull the needle through. And these procedures appear very simple, but they are really sophisticated procedures because ज़रा सी mistake. यहाँ से हम नीडल डाल रहे हैं और ज़रा सी मिस्टेक अगर हुई तो दैट नीडल कैन गो इनटू द लंग एंड पंक्चर द लंग विच कैन लीड टू न्यूमोथोराक्स एंड द पेशेंट कैन प्रोबेबली सकम टू दैट तो इट नीड्स अ गुड टाइम टू लर्न दीज प्रोसीजर्स यहाँ पर देखने में बहुत सिंपल लग रहा है My eyes are itching me. You're new, aren't you? Yeah. I know that's why they put you out here with us. Must be. यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूँगा ये जो सिनेरियो दे रखा है ना मतलब कि इतने सारे पेशेंट्स इतने कम डॉक्टर्स ये अगर असल में देखा जाए तो ऐसा ही इंडिया इंडियन सिनेरियो होता है यूएस में या फिर कोई भी वेस्टर्न कंट्री में जहाँ पर हेल्थ केयर अच्छे से इस्टेब्लिश्ड है वहाँ पर इतना पेशेंट लोड एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स पर डॉक्टर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं ठीक है तो अगर देखा जाए तो ये सीरीज और ये सिनेरियो गोज मोर इन फेवर टू इंडियन सिनेरियो ऑफ हेल्थ केयर Say about that vending machine. No real food in there. Yeah, well, the kitchen's out of food. You're not one to be giving nutritional advice, El Gordo. El Gordo? Mm-hmm. Look at me. I could have been a movie star with this face. It's not your face I'm worried about. It's your breasts. Mine. At least they're mine. Okay. Break's over. Let's go. So it's important to play around with your colleagues because इतना ज़्यादा वहाँ पर pressure बन जाता है and you don't have that mental space so you should take all out जब मौका मिले हंस लेते हैं जब मौका मिले बात कर लेते हैं और जब मौका मिले बैठ के दो कप कॉफ़ी हो जाती है तो ठीक रहता है और सिचुएशन कितनी भी वर्स हो जाए इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप योर हेड स्पेस क्योंकि हो सकता है कि जो अगला पेशेंट आने वाला है ट्रायल्स में वो इससे भी ज़्यादा वर्स हो और आपको इससे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े उस समय उसको मैनेज करने में तो यू नीड टू कीप दैट हेड स्पेस ऑल फेस ड्यूरिंग योर ड्यूटी That soft part. When I knew I found someone who was really nice. Then later when they realized how foolish they were, I would keep them alive for as long as I could. Oh my God. I didn't want it to be over. The screaming, or the look on their face when they were trying to breathe. There was an incident in Kerala. Main yahan par mention karna chahunga. केरला की बात है शायद जहाँ तक मुझे याद है तो वहाँ पर क्या हुआ था कि एक प्रिजनर
को पुलिस लेकर आई हॉस्पिटल फॉर हिज चेकअप किसी वजह से. ठीक. आई थिंक ही हैड सम इंजरीज एंड द इंटर्न और द जे आर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर अ फीमेल डॉक्टर वॉज असाइंड टू स्यूचर द वूंड दैट द पेशेंट हैड. ठीक है. तो वो वूंड को सिलने के लिए डॉक्टर असाइन की गई थी. द पुलिस ऑफिशियल्स दैट केम विद द प्रिजनर उन्होंने इतना ध्यान नहीं रखा कि डॉक्टर और उस प्रिजनर के आसपास जितने भी लोग हैं उनकी सेफ्टी मेंटेन करनी चाहिए. दैट प्रिजनर टुक अ सीजर्स अ सर्जिकल सीजर एंड स्टैब्ड दैट फीमेल डॉक्टर टू डेथ. ये सिनेरियो चल रहा है इंडिया में. ठीक है. ऐसे सिनेरियोस होते हैं इमरजेंसी में. वी आर डॉक्टर्स सो वी आर बाउंड टू सर्व. ठीक है. हम नहीं देखते वो कि वो प्रिजनर है चाहे वो मर्डरर है चाहे वो रेपिस्ट है या फिर ही इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. वी जस्ट सर्व. वी बिलीव इन सर्विंग एंड दैट्स व्हाट द टीचर्स. ओके. बट व्हाई दीज डॉक्टर्स आर नॉट सेफ. ये पुलिस वाले की गलती थी. आई डोंट नो. आई शुडंट कैरी दिस फॉरवर्ड बट आई जस्ट felt it's important to mention this. Krista. Krista. Krista, he's crashing. All it took was 2 milliliters of calcium gluconate, and this monster is still alive. I'm gonna go throw up. These are the things that we learn from this episode, but there's a lot more that goes into an emergency department in hospital. So, वही continue करने के लिए, we'll keep on watching the interesting scenes of these episodes and. Try to relate it with the actual scenario that happens in the hospital. Thank you for watching, and if you are new to here, please subscribe to my channel for more such videos, and thank you so much for watching.